लीकेज गैस सिलेंडर को सही करने के दौरान माचिस की तिल्ली दिखाते ही गैस सिलेंडर में लगी आग, जिसमें तीन लोग बुरी तरह झुलसे। तीनों को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। बुधवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोई पड़ाव में अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद घर की रसोई में मौजूद पति पत्नी सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत परिजनों द्वारा रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ तीनों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह रामनगर के छोई पड़ाव गांव में रहने वाले गोधन ने बताया कि पड़ोस की पूजा आर्य रसोई में काम कर रही थी। इसी बीच गैस सिलेंडर लीकेज होने पर उन्होंने अपने पति विनोद आर्य को बुलाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने गैस सिलेंडर से हो रही लीकेज को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस बीच विनोद आर्य ने अपने गाँव में रहने वाले जीवन बोरा को बुलाया, जो कि इंडियन गैस एजेंसी कोटा में कार्यरत हैं। जीवन बोरा द्वारा भी गैस सिलेंडर लीकेज को ठीक करने के बाद जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाकर सिलेंडर चेक किया गया, तो इसी बीच सिलेंडर से तेज आग की लपटें निकल गई, जिससे तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। कांड हुआ आपके घर में, गैस सिलेंडर में आग लगी? हाँ, सुबह गैस लीक हो रही थी घर में। भैया भाभी खाना बना रहे थे, तो जो हमारे साथ पे जीवन बोरा जी रहते हैं गैस एजेंसी में, उनको बुलाया गया। वो सही कर रहे थे, उसमें विस्फोट हुआ, हल्का सा आग निकली और तीनों झुलस गए उसमें। अब इसको हम यहाँ से अपनी गाड़ी से लेके आए रामनगर अस्पताल, अब यहाँ से रेफर कर दिया है सुश्रुति वाड़ी के लिए। माचिस जलाई थी उन्होंने, गैस सिलेंडर तो नहीं फटा, लेकिन उसमें विस्फोट हो गया आग का, जिसे तीनों बुरी तरह से झुलस गए। मामले में रामनगर सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष ने बताया कि तीनों की हालत गंभीर होने के बाद प्राथमिक उपचार देकर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मैं डॉक्टर पीयूष यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के रूप में था। सुबह सूचना मिली थी कि छोई में सिलेंडर में आग लगने की वजह से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तो वो जब यहाँ आए थे तो उनमें तीन लोग थे, एक जीवन बोरा थे 50 साल उम्र थी जिनकी, विनोद आर्या जी 48 साल और पूजा आर्या जी 35 साल। ये तीनों लोग आए थे, तीनों के मतलब चेहरा और गले का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा जल गया था, जिसमें से जीवन बोरा जी के सर में भी जल गया था, दोनों हाथ जल गए थे, दोनों पैर जल गए थे। सबसे ज़्यादा गंभीर अगर देखा जाए तो इसमें पूजा आर्या जी लग रही हैं, जिनका फेस और नेक दोनों इन्वॉल्व हुआ है दोनों हाथों के साथ, और विनोद आर्या जी जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर फेस और नेक के साथ दोनों 25-30% बर्न हैं। तो हमने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया।